हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी वक्त है सुबह सुबह का और हम निकले हैं ऋषिकेश की तरफ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम गंगा जी में तो हम नहा लिए थे कल ही, तो अब हम सुबह में होटल वगैरह से ही नहाकर और तब निकले हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो ये है केदारनाथ वाली रोड, तो ऋषिकेश से आगे हम निकल गए हैं लगभग 15-16 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है तो व्यू काफ़ी अच्छा है और बारिश हुई थी तो रोड भी जगह तगह जो है तो लैंडस्लाइड हो रखा था, तो इसलिए हम थोड़ा आगे जाने के बाद ही हो गए थे वापस। हमारी हिम्मत नहीं की आगे जाने की क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब हो रखा था, तो उन्नति को भी लग रहा था डर, तो हम हो गए फिर वापस वहीं से। तो घूमने के बाद हम आ चुके हैं घर और आज है 4 तारीख और बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के खुले हैं आज से स्कूल। तो हम घूमने के बाद आ गए थे और मेरी थी तबीयत ख़राब तो एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, जो वीडियोस थी वो फ़ोन में ही पड़ी हुई थी, तो एडिटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। और काम इतना सारा हो जाता है, कपड़े वगैरह 2 दिन में तो कपड़े ही धुलकर और प्रेस वगैरह कर कर लगाए हैं, और तबीयत भी कई दिन से ठीक नहीं थी, बच्चों की जिद थी इस वजह से जाना पड़ा, वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। तो स्कूल खुलने से पहले पहले उनका कहना था कि मम्मा एक बार चलो घूम कर आते हैं, तो हर साल ही जाते हैं, ज़्यादा दूर तो हम नहीं जाते हैं पर पास में ही बच्चों को घुमा लेते हैं। तो इस बार हमारा मन था केदारनाथ जाने का, पर जो है बारिश की वजह से, हम तो कि भाई बारिश हो जाती है तो थोड़ा पहाड़ जो है वो हरे भरे दिखते हैं, इस वजह से हम गए थे लेट। पर बारिश की वजह से वहाँ पर रोड जो है तो सारी ख़राब हो रखी थी, पत्थर इतने भारी भारी पत्थर जो कि रोड के ऊपर से पहाड़ों पर से रुड़ककर और रोड के आसपास पड़े थे, तो लग रहा था डर। तो इस वजह से हम जो है तो लगभग निकल गए थे 15-20 किलोमीटर ऋषिकेश से आगे। तो फिर जो थी रोड की काफ़ी हालत ख़राब थी, लोग तो वैसे जा रहे थे पर हमारा मन नहीं किया जाने का, और हम आ गए फिर वापस ऋषिकेश। तो फिर जो है तो हम घर के लिए निकल आए उधर से। और तो पहाड़ों पर जाने का मतलब अच्छा लगता है, पर जो है तो डर भी रहता है क्योंकि रास्तों के साइड में जगह बिल्कुल नहीं बचती है, अगर एक गाड़ी इधर से जा रही है एक उधर से आ रही है तो वो मुश्किल से जो है तो 1 मीटर जगह भी साइड में नहीं होती है, और गहरी गहरी खाई होती है, तो डर लगता है। इतना जो है तो उन्नति के पापा की ड्राइविंग अच्छी है पर फिर भी जो है एक डर सा लगता है पहाड़ों पर, क्योंकि फ्लैट के रहने वालों को पहाड़ों से डर लगता है, तो वैसे आदत हो गई है। ये मसूरी वगैरह तो काफ़ी बार घूम आए हैं, और नीलकंठ भी काफ़ी ऊंचाई पर है तो वहाँ पर भी गए थे हम पिछले साल, तो पर जो है तो कान वगैरह भी बंद हो जाते हैं चढ़ाई पर चढ़ने से, तो उन्नति के पापा को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनका भी थोड़ा घबराहट सी होने लगती है, तो इसलिए हम नहीं गए, हम आ गए फिर वापस। तो आज बच्चे गए हैं स्कूल, तो मैंने सोचा मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, और कई दिन हो गए हैं व्लॉग भी नहीं गया है, तो अब जो है तो घर का काम वगैरह ख़त्म करके और फिर मैं बनाऊँगी करौंदे की सब्जी जो कि आए हैं गाँव से, तो ये किया है मैंने। राइटिंग उन्नति कह रही है मम्मा आपकी राइटिंग अच्छी है, पर मुझे अपनी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो आज मैंने ये सारा टुकू का होमवर्क किया है कंप्लीट, काफ़ी सारा हो रखा था और ट्यूशन का भी काफ़ी सारा वर्क हो जाता है तो उसे कवर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बोला कि मैं कर दूंगी, तो वो जो है तो फ़ोन में से देख कर करना है, PDF भेजा है मैम ने, तो मैं कर रही हूँ अभी, 4-5 पेज बाकी हैं तो मैं शाम तक कर दूँगी कंप्लीट। और ये है कपड़े
करौंदे, तो इनकी सब्जी जो है तो मैं बनाऊंगी आज और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये मैं कट कर रही हूँ, तो काटने का सिंपल सा है तरीका इनका, बीच में से कट करके और इनके ये बीज से जो है तो ये निकाल लेंगे, चाकू से निकाल लेंगे। ऐसे तो इनके सारा रस निकले जा रहा है तो चाकू से निकाल लेंगे। तो गाइस, करौंदों की खट्टी मीठी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करौंदों को कट कर लिया है और उनके बीज जो है तो निकाल लेने हैं। और यहाँ पर मैंने ली हैं 3-4 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तो प्याज जो है तो ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा। तेल गरम होने के बाद यहाँ पर डाल देंगे जीरा, हींग और ये मोटे टुकड़ों में कटे हुए प्याज, और इन्हें सॉफ्ट होने देंगे। साथ में ही डाल देंगे हरी मिर्च के टुकड़े, तो इन्हें अच्छे से, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्के से सौते करना है, तो क्योंकि जो सॉफ्ट प्याज है वही अच्छी लगती है। और फिर डाल देंगे करौंदे और इन्हें अच्छे से कर देंगे मिक्स। और फिर बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च जो है तो हरी मिर्च काफ़ी है तो इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी। तो बस ठीक, अच्छे से भूनेंगे। और इसमें सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है, सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। तो मैंने 1 चम्मच डाली है यहाँ पर सौंफ, मोटी कुटी हुई। तो ये जो है तो अब डाल देंगे यहाँ पर नमक और पकाएंगे 2-3 मिनट ढककर। तो ये जो है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसे हम ढककर पकाएंगे, अब लगभग 2-3 मिनट में हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। साथ में ही मैंने करी है लौकी बॉयल, क्योंकि मुझे बनाना है लौकी का रायता और सब्जी। तो सब्जी बनानी है उन्नति के पापा के लिए, वो जो है तो रायता नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें हो रखा है जुखाम, तो दही उनके लिए ठीक नहीं है जुखाम में। तो करौंदे हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, क्योंकि ये करौंदे बहुत खट्टे होते हैं, इसलिए इसका खट्टापन बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी जाएगी इसमें चीनी। तो अब ये हमारी करौंदों की खट्टी मीठी सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, पराठों के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है और नमक की रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो वक्त हो गया है शाम का, शाम के बजे हैं 6 और उन्नति गए हैं ट्यूशन। तो ट्यूशन है उनका अब 2 घंटे, 2 घंटे जो है तो उनके सर ने बोला है कि 1 घंटे में कवर नहीं हो पाता है तो 2 घंटे भेजो। तो वो लगभग 2 बजे तो आते हैं स्कूल से और 4 बजे जाते हैं वो ट्यूशन। तो 4 से 5, 5 से 6, 6 बजे जो है तो उन्हें लेके आना है। तो तब तक मैंने खाना वगैरह सब रेडी कर लिया है, तो क्योंकि जो है तो आकर वो थोड़ा बहुत खेलते हैं, फिर अपने ट्यूशन का वर्क करते हैं और जल्दी फिर सोना भी होता है क्योंकि गाड़ी आती है उनकी सुबह में जल्दी, क्योंकि रास्ता है काफ़ी लंबा, लगभग 23 किलोमीटर है उनका स्कूल यहाँ से, जोया से गजरोला। तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब कुछ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।